आज आप लोगों के साथ मैं एक गन को सेफ रखने से रिलेटेड जानकारी शेयर करूंगा, वो क्या है चलो आगे वीडियो में बताता हूं। इस गन को हमें दो तरह से सेफ रखना चाहिए, एक तो इसको हमें पानी से बचाना होता है और एक इसको ठोका पीटी से और इसकी रचिन से बचाना होता है। तो ये गन ज़्यादा सर्विस देती है और अच्छी चलती है, अच्छी परफॉर्मेंस करती है। ये जो दो चीज़ों से हमें ज़्यादा बचाना होता है, एक तो इसमें ज़्यादा ठोका पीटी या झटके से नीचे उठा पटक नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात इसमें पानी वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। अगर पानी वगैरह पड़ता है तो इसके अंदर की जो पंखड़ियाँ होती हैं वो जाम हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है, जिसकी वजह से जाम हो जाता है, फिर इसको खोल के सर्विस करना पड़ता है। और दूसरी बात, हम इसको जब इधर उधर हम काम करते हैं पहिया, जैसे हमने इधर पहिया खोला और फिर हमने इसको नीछे रख दिया, तो हम कई दफ़े झटके से भी ये छूट जाती है मशीन। तो ये ज़्यादा झटके से नीचे छूटने से इसमें वेट होता है, तो वेट होने की वजह से ये जो स्टड वाली जगह है ये दब जाती है और सिरच जाती है और ज़्यादा कट जाती है। तो हम कई दफ़े इसको खोलते हैं तो ये जाम हो जाता है, और इसका जब हम खोलते हैं तो इसमें ये चीज़ें टूट जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके हमने इसके ऊपर इस पर ट्यूब के रबड़ का कवर लगा दिया। ये देखिए, इस प्रकार से ट्यूब के रबड़ का कवर लगा दिया, जो हमें ख़रीदना नहीं होता, हमारे पास ऑलरेडी होती है पंचर की दुकान पे। और इसको जब हम लगाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान देना कि जब इधर से एयर जाती है तो इधर से एयर निकलने की जगह भी होती है। तो जब हम इसको लगाएंगे तो यहाँ से हमने तिरछी कटिंग करके लगा रखी है ट्यूब को, देखिए, तो इधर से एयर निकलने की प्रॉपर जगह होनी चाहिए। अगर ये ढक जाएगी तो यहाँ से प्रेशर से जब हवा नहीं निकल पाएगी तो ये मशीन सही परफॉर्मेंस नहीं देगी, अच्छे से नट नहीं खोलेगी ना टाइट करेगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान देना जब लगाएंगे इस कवर को तो। और दूसरी बात, ये क्लंप लगाया है, इससे हमने दो फायदा हुआ है। इससे इस क्लंप को लगाने से ये ट्यूब हमारी ऑलरेडी इसमें फिक्स हो गई है, अलग से कोई चीज़ हमें लगाना नहीं पड़ा, ये ट्यूब भी सेफ इसमें फिट हो गई। और इस क्लंप को लगाने से हमें एक चीज़ का और फायदा हुआ कि हम इसमें एक होल एक्स्ट्रा कर रखे हैं, तो हम इसको सेफली कहीं भी इसको टांग सकते हैं। नहीं तो हम औजार, हम यहाँ इस औजार में रख रखे हैं तो हमें यहाँ पे औजार ज़रूरत है तो हम इसको उठा के इधर रख देंगे, तो हम यहाँ से औजार उठा लेंगे, अब इधर से औजार की ज़रूरत है तो फिर हम उठा के इसको इधर रखेंगे, फिर यहाँ से औजार उठाएंगे, जिसकी वजह से इसमें उठा पटक ज़्यादा हो जाती है और स्क्रैच आ जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल कर दिया कि काम ख़त्म होने के बाद, पूरा होने के बाद हम मशीन को सेफली, ये देखो हुक बना रखे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से टांग देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मशीन सेफ हो जाती है, ना इसमें डस्ट पड़ती है ना पानी पड़ता है। यही जानकारी थी जो गन के रिलेटेड मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी एक मैं पंचर की दुकान का और ये सेटअप का मैं और औजारों का आपके साथ मैं जानकारी शेयर करता हूँ। बाकी मेरी जानकारी आपके काम की लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।